हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो पंजाब स्कूल बोर्ड की तरफ से नए सेशन के लिए जो सिलेबस है उसको अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी सिलेबस है आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मंथली सिलेबस है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आप PSEB की साइट को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सिलेबस मिलेगा वो कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पर जो भी सिलेबस दिया गया है वो सब्जेक्ट वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास लेकर 12th क्लास तक सारा सिलेबस जो है वो दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वाइज है ये आपको कम्प्लीट सिलेबस मिलने वाला है। तो अब हम आपको बताएंगे कि आप जो सिलेबस को मंथली वाइज जो सिलेबस है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे। तो इसके लिए जो लेटर है वो डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है कि सेशन 2023-24 के लिए 6th क्लास लेकर 10th क्लास का जो बाई मंथली सिलेबस है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दी गई। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास के लिए जो सब्जेक्ट हैं मैथ, इंग्लिश, SST, साइंस, हिंदी और पंजाबी, ये जो मेन सब्जेक्ट के विषय हैं जो सब्जेक्ट हैं, इनका जो बाई मंथली डिस्ट्रीब्यूशन वो तैयार किया गया है और उनको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपने यहाँ पर SSA पंजाब की वेबसाइट पर जाना है तो यहाँ पर आपको एक लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है बाई मंथली सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब आप डाउनलोड सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक यहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है districtgyan.com, तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बाई मंथली सिलेबस, तो इस ऑप्शन पर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं PSEB बाई मंथली सिलेबस लिंक। तो यहाँ पर आपको जस्ट डाउनलोड सिलेबस करना है तो आपका जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह आपका जो सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो लेटर है वो भी साथ अटैच कर दी गई है। तो यहाँ पर आपको नीचे जो सिलेबस है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6th क्लास लेकर 8th क्लास तक जो सिलेबस है यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट का दिया गया है। तो यहाँ पर मंथली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जैसे आप सभी जानते हैं कि मई मंथ में जो एग्ज़ाम होते हैं तो 2 मंथ का जो सिलेबस है वो करवाया जाता है। तो यहाँ पर 6th, 7th, 8th क्लास के लिए है। उसके बाद 2 मंथ का जो सिलेबस है जुलाई अगस्त का, उसके बाद सितंबर में टर्म परीक्षा होती है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर फिर दिसंबर जनवरी और फरवरी मार्च में फाइनल एग्ज़ाम जो है वो होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तैयारी है वो करवाते हैं या सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं। इसी तरह 9th क्लास के लिए 10वीं क्लास के लिए जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश का देख सकती हैं बाई मंथली जो सिलेबस है तो यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6th क्लास का है ये। तो 6th क्लास में अप्रैल मई में कौन सा सिलेबस आएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त, इस तरह कंप्लीट जो सिलेबस है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक सभी जो मेन सब्जेक्ट हैं उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपनी क्लास वाइज जो सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी क्लास में लगाना चाहते हैं या स्टूडेंट्स को नोट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप करवा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44 पेजेस की ये जो फाइल है। तो यहाँ पर आपको सभी जो सिलेबस है 6 सब्जेक्ट के वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ से आप सभी जो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी क्लास वाइज जो सिलेबस है तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अब आप देखेंगे कि जो मैथ का सिलेबस है यहाँ पर 10th क्लास का दिया गया है, 9th क्लास का, 8th, 7th, 6th क्लास का है, उसके बाद SST का सिलेबस है। तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे प्रॉपर। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पंजाबी सब्जेक्ट का ये जो सिलेबस है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके इसको पूरा देख सकते हैं। अप्रैल मई का जो सिलेबस है, जुलाई अगस्त अक्टूबर नवंबर का और दिसंबर जनवरी का, ये एक ही पेज में दिया गया है 6th क्लास का। इसी तरह 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस का यहाँ पर जो सिलेबस है वो दिया गया है। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लिंक है अभी एक्टिव नहीं हुआ है, यहाँ पर अपलोड नहीं हुआ है सिलेबस, हो सकता है जल्दी अपलोड हो जाए। इसके अलावा आप हमारे जो वेबसाइट है यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड सिलेबस का। तो इसका जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्ट उस लिंक को खोलेंगे तो आप उसकी जो PDF फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग जो इसको प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी जाती है हमारी वीडियोज़ में अच्छी लगती होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट्स आएंगी आपको पता चलती रहेंगी।
तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे हमारी नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।